9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा, 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, बोलो आज उठा के बोलिए, बोलो ईश्वर की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है और हम और राहुल जी जनता के साथ खड़े हैं। प्रसाद यादव जी, AICC बिहार के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोयल साहब मंच पे उपस्थित, नौजवानों के नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और इसवा की नवादा की नौजवान जनता, देखिए हम यहाँ पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं आए, समय कम है, समय कम है, पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। नवादा पूरा नवादा में जीतना है कि नहीं जीतना है, सारा सीट निकाल के दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। देख रहा नवरात्रि है, माँ दुर्गा की आराधना पूजा हम करके आ रहे हैं, कलश की स्थापना हुई है और जब कलश की स्थापना होती है जो लोग पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि संकल्प लिया जाता है, तो आप सब लोग हाथ उठा करके बताइए संकल्प लीजिए, दोनों हाथ जिताना है ना। देखा हमारा के कुछ ना कहे के बाद 15 साल से तू लोग जाना तो रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बारे डबल इंजन के सरकार बा, और दिल पे हाथ रख के बोला जब तू लोग ब्लॉक जावेला थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोई काम होला कितना लेता है, बिना घूस के कोई काम नहीं, घूस खोरी अब बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है आप लोग बताओ। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए, तो आप बताओ जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया, जो शुगर मिल पेपर मिल जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देने बारे हैं घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया, मराड़ा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं, मजदूरी जाता कि नहीं पंजाब, जाता कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है? जो व्यक्ति 15 साल में इसवा की जनता नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा
शिक्षा को चौपट कर दे। अस्पताल बदहाल है बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं। तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं दिया किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझा तरह कि ना बूझा तरह, बूझा तरह तो हाथ उठा के बता रहा बूझा तरह। देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोल रहे हैं, हम नवरात्र करनी है, कलश की स्थापना करने वाली और संकल्प लेने वाली, हम झूठ ना बोले। हम जो कहो तभी उस सच होने के जाता, जो कहो तभी उस सच होने के जाता। तू लोग बताओ एक मौका हमारा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है, हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। जो कहा तभी ओकरा के पूरा करें, हमार डीएनए भी शुद्ध बा। बुझाता ना, कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी, आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है, आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। होना चाहिए था, अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा, सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में अंदर रहे, पहले भी कोरोना था अभी भी कोरोना, लेकिन उस समय नहीं निकला बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलना तरे, वोट मांगना तरे, बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था? ये 2000 किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक, एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चला तरी 1500 किलोमीटर। नीतीश जी कहता रे कि जो जहां है वही रहो, बोले थे कि नहीं बोले थे? 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी, आप जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो, हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है, कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%, 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी, बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदाधिकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए
फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है, चार चार बार भरने बारे सर, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायक समूह है, चाहे आशा दी आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी दी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। देख कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछे वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मिलता तो समय पर नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है, वो 400 रुपए को हम लोग 1000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात कर रहे। देखो हम नौजवान है, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े जाति के हो, चाहे दलित जाति के हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे तो लोग हाथ उठा के हमारा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो, अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके, अरे जिताने के बना। अब जाकर सरकार बनावे तो नवा लोग के आशीर्वाद बनो, तो करे के बाद लड़े के बाद जीते के बाद, ए भाई लो 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाए, एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है, 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा, 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, बोलो हाथ उठा के बोलिए, बोलो ईश्वर की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय बिहार। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।